जी मेरा तीन सवाल है। एक है आप बोलते हैं जो मम्मी को सेवा करो, लेकिन मम्मी को सेवा करती हूँ लेकिन मैं नहीं बोलना चाहिए तब बोल रहा हूँ, क्षमा मांग रहा है। मेरे मम्मी का 78 इयर्स हो गया, वो अभी तक सब खाती है तो और मुझे बहुत प्रेशर देता है। हम पहले बात करना छोड़ दिए थे। माँ मतलब जन्म देने वाली माँ की सासू माँ? ना, जन्म देने माँ। ठीक है, तो सुनिए आप जब बोले थे ना कि मम्मी को कुछ नहीं बोलना है तो हम फिर बात किया शुरू किए, तो मम्मी बहुत माने मेरे पर खुश नहीं है। हम सब छोड़ दिए, एकादशी कर रहा है तो प्रेशर देता है जो तुम ये खाओ वो खाओ, जो खाते थे वो सब खाओ, तो क्या करेंगे गुरु जी? ना ना, क्यों मम्मी खाओ? के साथ कॉन्टेक्ट रखेंगे? मम्मी को समझाओ कि किसी को मारना क्यों? बहुत बोलता है कि वो सब खाएंगे तुम वो खाओ, तो क्या करेंगे कुछ मम्मी? फिर उनको छोड़ दो, मतलब उनको छोड़ने का मतलब ये नहीं, उनको उनके हाल पर उस भाव पर छोड़ दो, आप अपना कर्तव्य सेवा का करो। आपके भाई हैं? ना, पांच बहन है। बहन है तो आप लोग सेवा करो जैसी बन पड़े। भगवान का नाम नहीं लेती है, बोलते है नाम करो तो बोलता है, वो सब बोलते तुम करो वो सब भंड है, बहुत कुछ बोलता है गुरु जी। उनको ले आओ वृंदावन, हम समझाएंगे। बोलता है वृंदावन मेरा अच्छा नहीं लगते है, वृंदावन फालतू जगह ऐसे बोलता है, बोलने का पाप है, तो क्या करेंगे? कॉन्टेक्ट रखेंगे मम्मी के साथ? आप बोलिए। वृंदावन नहीं आती? बोलते है कि मेरा अच्छा नहीं लगे, बहुत फालतू जगह है, ऐसे बोलता है। हम तो मत बोलो, नहीं बोलना चाहिए। तो मम्मी के साथ और कॉन्टेक्ट रखेंगे? आपके बात में हम रखे थे। सेवा करो बस, सेवा, उनकी बात सुनो मत, उनको बस सेवा करो, उनको खुश रखो, खाना पीना दो बस। और एक गुरु जी, मेरा हस्बैंड ऐसे ठीक है लेकिन हम, और वो तो बूढ़ी हैं, आप लोग मांस दो ही मत ना, दाल चावल दो उनको। हाँ ठीक है गुरु जी, घर में रहता है अपना। मेरा घर नहीं आएगा, बोला जी तुम सब छोड़ दिया हम नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर उनको उनके हाल में रहने दो, उनको समझाया ही जा सकता है। और गुरु जी, मेरा हस्बैंड ऐसा ठीक है लेकिन हम ये भागवत लाइन में आ गया ना तो बहुत लड़ाई कर रहा है मेरे साथ। कोई बात नहीं, समझाओ बस। और एक गुरुजी रिक्वेस्ट है मेरा, आप देखिए बाके बिहारी स्वरूप है, हम लोग को जितना शिष्य है, आप जो एक बोलता है ना जो भीख मांगते इसे मत बोलिए गुरुजी, आपके चलते बहुत आदमी पुण्य कर रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहा है आपको, आप बाके बिहारी आप मत बोलिए ये सब। ठीक है, आप क्या कर रहा, बहुत सुधर गया है बहुत आदमी, ये खुश रहिए जिंदगी में, नहीं बोलिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा सब बैठो मैया, सब बैठो। क्या आशीर्वाद दीजिए कि हर समय भगवान में मेरा मन लगा रहे। ठीक है, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी मेरा एक सवाल है, ट्रेन में गोपाल जी को लाएं, मतलब आप बोलते कि ले जाया करो, बहुत ज्यादा अशुद्धि हो जा रहा है, मन में शांति मिल नहीं रही और घर में कोई रखने वाले है नहीं, तो क्या करे? कितने समय लगता है ट्रेन में आने जाने में? हम तो धनबाद से हैं, झारखंड। हाँ, कितना टाइम लगता है? 18 घंटा। ठीक है, तो आप घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है? कोई नहीं है, सासू माँ भी आई है साथ में, मम्मी भी आई है। तो आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में पुजारी जी को दे दिया करो कि आप सेवा करो तब तक। हाँ वही। और गुरु जी एक बात, हमको आप इतना आशीर्वाद दीजिए, अभी तो जॉब कर रहे हैं, बस आपका सेवा देख के गुरु जी मेरा मन में आज भागवत सुन के गया, हमको बहुत ज़्यादा ये लगा कि हमको कुछ आपका यहाँ करना है, हमको भी बस इतना आशीर्वाद दीजिए, हमको मेरा अब सारा इच्छा हट गया है, बस अब एक ही इच्छा, जॉब करके अच्छा से हमको यहाँ बास करना, आपका सेवा में हाथ बटाना है। बिल्कुल, आप आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। बिल्कुल आशीर्वाद, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे, खुश रहिए।